हाँ बोलो बोलो। आप तो जानते हैं कि सुजाता बड़े घर की है, उसका ऐसे घर में काम करना, खाना पकाना अच्छी बात नहीं है। अब वैसे भी उसके गांव में दम घुट रहा है। मैं सोच रहा था कि उसे शहर ले जाऊंगा, वहीं को बिजनेस कर लूंगा। दम मेरी बहू का गांव में नहीं घुट रहा है, तुम्हारा घुट रहा है। और यही बिजनेस की बात, वो तुम क्या करोगे? मैं जानता था बाबूजी आप यही कहने वाले, लेकिन आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं जरूर जाऊंगा शहर बिजनेस करने के लिए। तुम्हारे जो जी में ऐसे करो मेरा दिमाग मत चाटो। मुझे बिजनेस के लिए 4-5 लाख रुपए चाहिए। एक रुपया नहीं है मेरे पास। तो खेत बेच दीजिए। अच्छा, खेत बेच दूं? खेत तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, वो शंकर ने अपनी मेहनत से कमाए। तो फिर ये घर बेच दीजिए। खबरदार जो कभी घर बेचने की बात की तो। जानता हूं बाबूजी, सब जानता हूं। आपको एक घर प्यारा है, अपने खेत प्यारे हैं, वो जाहिल शंकर प्यारा है। शंकर के बारे में एक शब्द भी कहा तो जबान खींच लूंगा तेरी। अरे तू क्या जाने शंकर क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि शंकर क्या है। सारी जायदाद हड़पने के लिए उसने जादू कर रखा है आप पर। अगर तूने शंकर का नाम लिया तो जान से मार डालूंगा। गली से बड़ा है शंकर वाला। शंकर शंकर शंकर, जब देखो आप शंकर के बारे में बोलते रहते हैं। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? बोले दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आखिर भाई तो है। बहुत हो गया भाई का ये नाटक। मैं यहाँ से 6 लाख रुपए लेकर ही जाऊंगा बाबूजी। अगर आप राज्य से नहीं देंगे ना, तो मैं अदालत में जाऊंगा। तू अदालत मेरे खिलाफ? तू मुझे पैसा न मिला ना, मैं क्या करते हो? देखते नहीं हो बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है? चुप। अरे मुझे मेरा पैसा चाहिए। तू भी मत बोल बिल्कुल भी। मुझे मेरा पैसा चाहिए। मुझे पैसा चाहिए। मैं किसी का कुछ नहीं सुनने वाला। क्या कर रही तू? क्या कर रही तू? अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं, वो नाटक करा वो। आहिस्ता आहिस्ता, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ। आहिस्ता बोल। दादू भैया ठीक ही तो कह रहे हैं, सिर्फ 6 लाख रुपया मांग रहे हैं, वो भी बिजनेस करने के लिए। आप बाबूजी को समझाइए ना, क्यों जिद कर रहे हैं? ठीक ठीक है, तुझे पैसे चाहिए ना? हाँ वो मैं दूंगा, तू सिर्फ बाबूजी से इतना कह दे मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। चल कह दो पैसे, मैं कह दो, मैं जो कह रहा हूँ। आओ आप आओ। बाबूजी सब ठीक हो जाएगा, आप शांत हो जाइए। बाबूजी देखिए शक्ति आया है, इसे अपने किए पर पछतावा है। हाँ बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे मानते ही आप 6 लाख रुपए निकाल के दे देंगे। अरे भाई शंकर, मैं तुम्हें कोई मुफ्त थोड़ी दे रहा हूँ, तुम्हारी 200 एकड़ जमीन और घर गिरवी रख के दे रहा हूँ। लेकिन एक बात है, जितनी जल्दी हो सके ये कर्जा लौटा देना। सेठ जी मैं तो सिर्फ कर्जा लेने आया हूँ, देने मेरे भाई आएंगे। वो इन पैसों से शहर में बहुत बड़ा व्यापार करने वाले हैं, लाखों रुपया कमाने वाले हैं। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम। क्या ये आपका बैंड? उठाइए और जब तक आपका हाथ ना थक जाए मुझे मारिए। किस बात के लिए? आपको बताए बिना मैंने सेठ जी से 6 लाख रुपया कर देकर शक्ति को दे दिया। मारिए बाबू जी, मारिए। क्या मालूम, जिस इंसान ने अपने हाथों अपनी तकदीर के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो, ऐसे इंसान को क्या मालूम। अरे तूने बरसों की दिन रात की मेहनत की कमाई को एक झटके में ले जाकर उन नालायकों के दामन में डाल दी। वो नालायक नहीं है बाबूजी, वो शहर जाएंगे, धंधा करेंगे, लाखों रुपए कमाएंगे, आपका नाम ऊंचा करेंगे बाबूजी। अरे जिन जलीलों को अपने नाम की परवाह नहीं, वो अपने बाप का नाम क्या खाक ऊंचा करेंगे। अरे देखना एक दिन वो तुझे भी दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर देंगे। अरे पगले, कभी सोचा है तूने? कल तेरा भी घर बसेगा, तेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, उनको क्या देगा? अरे क्या बचा है तेरे पास? मेरे पास मेरे बाबूजी है,
आप है मेरे पास, आपका आशीर्वाद है मेरे पास। बाबूजी, बाबूजी बचे हैं तेरे पास, बाबूजी को इतना चाहता है तू? अरे पगले, तू अपने अपने बाबूजी को इतना चाहता है तू? नहीं है क्या? मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मुझे बचा लीजिए। बैठ बैठ जा, बड़ी मेहरबानी। चल डैमिट, कहां चला गया? फॉलो मी। तुम दोनों ने हमारे भाई की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या काम करते हो? सर, काम की तलाश में है। आप ही की तरह को बिजनेस करना चाहते हैं, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, फटाफट ओवरनाइट। बहुत स्मार्ट लगते हो। कीप इट अप। थैंक यू सर। थैंक यू। बड़े भैया, इन दोनों भाइयों को अपने साथ काम में रख लेना चाहिए। अरे भाई, तुम तो अपने धंधे को अच्छी तरह से जानते हो, 50 किस्म के राज होते हैं जी। इस तरह से इतनी जल्दी हारे हारे गहरे पर एतबार नहीं किया जा सकता। पर भैया, दोनों भाई भरोसे मन लगते हैं। ठीक है अगर तुम ये कहते हो, लेकिन तब भी इन दोनों को अच्छी तरह से ठोक बजा लो, परख लो। अगर सही लगे तो अपने धंधे के कायदे कानून इन्हें समझा देना, समझे? यहाँ क्यों आई? अरे, एक ना एक दिन तो आना ही था, इसीलिए मैं आ गई और बैठ गए। वाह 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 वाह, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। चलो उठ, भाग इधर से। अजीब आदमी हो, घर आए मेहमान की इस तरह बेइज्जती करते हो। वैसे भी होने वाली बहू पहली बार घर आई है तो मुंह मीठा कराओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ आरती वारती उतारो। जाओ जाओ। आरती वारती उतारो, अगर बाबूजी ने देख लिया तो मेरी आरती उतर जाएगी। चल चल भाग इधर से। पहले ये बताओ, मुझे 3 दिन से क्यों नहीं मिले? देख, मैं बाद में आ जाऊंगा, तू जो कुछ बोलेगी वो मैं करूंगा। तेरा हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, जहाँ बाबूजी ने देखते तो गड़बड़ हो जाएगी। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, बाबूजी से क्या इतना डरते हो? हा? मैं खुद बाबूजी से मिलने आई हूँ और बाबूजी से इतना ही पूछूंगी। क्या बाबूजी पैदा किया? क्या 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 पैदा किया? क्या 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 बोले? लल्लू जैसे बेटे को पैदा किया। मैं लल्लू? मैं लल्लू? मैं नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। बैठो। अरे जीती रे बेटे, तू कब आई? बाबूजी, मैं आप ही से मिलने आई थी। अच्छा अच्छा, तू मुझसे मिलने आई थी? और ये कहने आई थी कि बाबा आपको बहुत याद कर रहे थे, कह रहे थे बहुत दिन से आप मिले ही नहीं। बहुत दिन से? तो कल जो मुझे मिले थे वो तेरे बाबूजी नहीं होंगे, उनका कोई हमशक्ल होगा शायद। हाँ, कल मिले थे? नहीं नहीं, बाबा ही थे। उनका मतलब है, नहीं मेरा मतलब है कि आप कहीं दिनों से हमारे घर नहीं आए। अच्छा अच्छा, तू यूँ बोलना तो तू ये चाहती है कि मैं तेरे घर आऊँ? तू ये चाहती है कि मैं तेरे घर में आके तेरे बाबूजी से अपने इस लल्लू बेटे की शादी के बारे में बात करूँ? नहीं नहीं, लल्लू नहीं बाबूजी, ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा है? तुझे पसंद है? अरे सुन तो लल्लू। बाबूजी, अब तू पुतले की तरह यहीं खड़ा रहेगा या उसके पीछे जाएगा? मैं जाऊं? जा। मैं अरे